स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान की लोक देवियों के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और राजस्थान की सभी परीक्षाओं के अंदर जो पूछे गए प्रश्न और अति महत्वपूर्ण जो भी फैक्ट हैं इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर कुछ जो देवियाँ हैं उनसे रिलेटेड फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये जोगनिया माता और ये शिला देवी और ये केला देवी और दोस्तों ये जो है आशापुरा माता और ये जोगनिया सावरा माता और ये करणी माता। तो अब दोस्तों जो भी इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे और आप इस वीडियो के द्वारा दोस्तों अपना जो राजस्थान की लोक देवियों का जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर कर सकते हो। आपको किसी दूसरे वीडियो की देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है विभिन्न रियासतों की कुल देवी। दोस्तों विभिन्न जो भी रियासतें थी उनकी कुल देवियाँ, जैसे जोधपुर में राठौड़ वंश की कुल देवी नागनेची माता थी, जैसलमेर की बात करें तो इसमें भाटी वंश की स्वागिया माता थी, बीकानेर के राठौड़ों की करणी माता थी। उसके बाद दोस्तों उदयपुर के जो सिसोदिया या गुहिल वंश था उसकी कुल देवी बाण माता थी, सीकर की जीण माता और सांबर के चौहानों की शाकंभरी माता। उसके बाद आमेर के कछवाओं की जम्बुवाई माता, जालौर के चौहानों की आशापुरा माता, जयपुर के कछवाओं की जम्बुवाई माता, जोबनेर के खंगारोतों की ज्वाला माता, करौली के यादवों की केला देवी, कोटा के महाराजाओं की बदाना माता और भरतपुर के जाटों की राजेश्वरी माता, आहुआ के ठाकुरों की सुगाली माता। दोस्तों ये इनके जो राजवंश हैं उनसे संबंधित कुल देवियां हैं। अब उनके बाद विभिन्न जातियों की जो जो कुल देवियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों किसी राजवंश की कुल देवी या किसी जाति की कुल देवी जो है एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिरवी जाति की कुल देवी जो है आई माता है, बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। कल्ला जाति की लुटियाला माता है, बिस्सा जाति की आशापुरा माता है, ओस वालों की सचिया माता जोधपुर की है और खंडेल वालों की जो है संकराई माता है। नाई जाति की बात करें तो नारायणी माता है और पांचाल जाति की त्रिपुरा सुंदरी और बिल जाति की बात करें तो आमजा माता है और पोपा जाति की विरात्रा माता। मीणा जाति की और गुज्जर जाति की दोनों की केला देवी हैं और यादवों की भी केला देवी हैं और कंजर जाति की चौथ माता जो सवाई माधोपुर में है वो है। तो ये जातियों के आधार पर जो कुल देवियां हैं वो भी आपको हमने बता दी हैं और ये जो कुल देवियां हैं ये विभिन्न रियासतों के अनुसार हैं। आपको किसी भी रियासत की या फिर वहाँ के शासकों की कुल देवी पूछी जा सकती हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब दोस्तों जो भी लोक देवियां हैं राजस्थान की उनके बारे में हम विस्तृत जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों वही फैक्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फालतू का एक भी फैक्ट आपको नहीं बताया जाएगा। दोस्तों जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वही हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लोक देवी करणी माता की। करणी माता चारणों की कुल देवी हैं और बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी हैं। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है ये आपको याद रखना है और बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी हैं और करणी माता का जो जन्म है वो सुआब गांव जोधपुर के अंदर हुआ है। और ये ध्यान रखना कि करणी माता के पिता का नाम मेहाजी चारण और माता का नाम देवलबाई था। बचपन का जो इनका नाम था वो रिद्धिबाई था और इनको इनके जो उपनाम हैं वो डोकरी, चूहों की देवी, जोग माया, जगत माता का अवतार आदि नाम से भी इनको जाना जाता है और इनके मंदिर में बहुत सारे सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं और सफ़ेद चील को जो है करणी माता का रूप माना जाता है या आप कह सकते हैं कि सफ़ेद चील को करणी माता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। करणी माता का मंदिर जो है वो देशनोक बीकानेर में है। इनका जन्म जोधपुर में हुआ था लेकिन जो है मंदिर इनका देशनोक बीकानेर में है और बीकानेर के शासकों की ही जो है इष्ट देवी रही थी। देशनोक बीकानेर में करणी माता के मंदिर की नींव स्वयं करणी माता ने ही रखी थी और करणी माता के इस मूल मंदिर का जो निर्माण है वो राव राजा
जयत सिंह ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। और करणी माता के इस मंदिर का वर्तमान भव्य स्वरूप जो है महाराजा सूरत सिंह ने तैयार करवाया था। बीकानेर के महाराजा थे सूरत सिंह। और करणी माता के मंदिर में सर्वाधिक चूहे पाए जाते हैं और इसलिए इनको चूहे का मंदिर भी कहा जाता है या चूहों का मंदिर। उसके बाद ये जो करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले सफ़ेद चूहे जो हैं उनको वहाँ पर जो है काबा कहा जाता है। और करणी माता के मंदिर में आपको याद रखना सावन भादो नाम से दो कढ़ाइयाँ भी है। और करणी माता का जो मेला है वो चैत्र और आश्विन नवरात्रि में भरता है। चैत्र और आश्विन वर्ष में दो बार नवरात्रि आती है, उसी समय करणी माता का जो है मेला लगता है। करणी माता के बारे में कहावत है कि करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवर के बेटे लखन को गोद लिया था, जो रक्षाबंधन के दिन श्रावण मास की पूर्णिमा को कोलायत झील बीकानेर में डूब कर मर गया था। इसलिए कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि के मेले में चारण समुदाय के लोग नहीं जाते हैं। दोस्तों करणी माता ने जिस पुत्र को गोद लिया था वो कोलायत झील जो बीकानेर में स्थित है वहाँ पर डूब कर मर गया था, तो इसलिए चारण समुदाय के लोग जो हैं वो कोलायत झील यानी कि बीकानेर और कपिल मुनि का जो मेला भरता है वहाँ पर उस मेले में नहीं जाते हैं। और करणी माता के इस मंदिर में सफ़ेद चूहे के दर्शन को ही करणी माता के दर्शन माने जाते हैं और करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। करणी माता की जो इष्ट देवी है वो तेमड़ा माता है और करणी माता ने ही मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। करणी माता के आशीर्वाद से ही जो जोधा थे उन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। और ऐसा माना जाता है कि करणी माता ने ही देशनोक कस्बा बसाया था। करणी माता के मंदिर में पुजारी जो है वो चारण समुदाय के लोग होते हैं। दोस्तों जो भी देवियाँ इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं के बारे में हम थोड़ा डिटेल से देख रहे हैं, बाकी दोस्तों सभी के बारे में शॉर्ट फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है वही हम देखने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दे। अगली जो लोक देवी हैं वो है जीण माता। जीण माता जो है चौहानों की कुल देवी हैं और इसको मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि इसने देवी के यहाँ जो मधुमक्खियाँ होती हैं उन्होंने औरंगजेब की सेना पर आक्रमण किया था। और शेखावटी क्षेत्र की ये लोक देवी हैं और शेखावटी क्षेत्र में खासकर सीकर जिले से संबंधित हैं ये। और जीण माता का जो जन्म है वो भी दांदू गांव सीकर में ही हुआ था। और जीण माता के पिता का नाम दंद राय था। इनका जो मंदिर है वो हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर में स्थित है। और इसके मंदिर का जो निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय राजा हट्टड़ द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। राजा हट्टड़ के द्वारा रेवासा सीकर के अंदर हर्ष की पहाड़ी पर जो है जीण माता का मंदिर का निर्माण किया गया। जीण माता के मंदिर में ढाई प्याले शराब चढ़ती हैं और जीण माता को पहले बकरे की बलि दी जाती हैं। वर्तमान में केवल बकरे के जो है कान चढ़ाए जाते हैं। जीण माता के मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र एवं आश्विन नवरात्र के दिन मेला लगता है। और सभी देवी देवताओं में जीण माता का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा है, ये आपको ध्यान रखना है। जीण माता की जो प्रतिमा है वो अष्टभुजी प्रतिमा है। उसके बाद अगली जो लोक देवी है वो है केला देवी। केला देवी दोस्तों करौली के यादवों की कुल देवी मानी जाती हैं और यदुवंशी राजवंश जो करौली में शासन करता था उनकी कुल देवी हैं ये। और इनका जो मंदिर है केला देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है त्रिकुट पर्वत करौली के जिले में ही स्थित हैं। और केला देवी के मंदिर का निर्माण जो है गोपाल सिंह द्वारा 19वीं शताब्दी में करवाया गया था। उसके बाद केला देवी को कभी भी जो है मांस का भोग नहीं लगता है। और केला देवी के मंदिर के सामने ही बोहरा भगत की छतरी है, आपको याद रखना है। बोहरा भगत की छतरी किस जिले में है ये भी पूछ सकते हैं, करौली जिले में है, केला देवी के मंदिर के सामने ही है। केला देवी की आराधना में लोग जो है लांगुरिया गीत गाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लांगुरिया गीत केला देवी की आराधना में गाया जाता है। और केला देवी के मंदिर में जो है नवरात्रों में चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका विशाल मेला भरता है और इसलिए इस मेले को जो है लक्की मेला भी कहते हैं। उसके बाद केला देवी का जो नृत्य है वो गुटकन नृत्य प्रसिद्ध है, जिसे गुजर एवं मीणा जाति के लोग करते हैं, तो आपको खासकर याद रखना है गुटकन जो नृत्य है गुजर और मीणा जाति के लोग हैं और यही इनको करते हैं केला देवी की आराधना में। उसके बाद आगे जो लोक देवी हैं वो है शिला देवी। शिला देवी आमेर के कछवा वंश की कुल देवी है, आमेर का जो भी कछवा वंश था और उसकी जो कुल देवी हैं वो शिला देवी है। आमेर में ही इनका मंदिर बना हुआ है,
मानसिंह प्रथम ने इनका मंदिर बनवाया था। अमेरिकी महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित कर जसोर नामक स्थान से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति 16वीं शताब्दी में आमेर लाए थे। आमेर लाकर उन्होंने आमेर दुर्ग में स्थित जलेब चौक के दक्षिण पश्चिमी कोने में मंदिर बनवाया था। तो आपको ध्यान रखना है बस कि जो शिला देवी का मंदिर है वो आमेर दुर्ग के अंदर जलेब चौक में स्थित है और जो महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। पहले यहाँ पर नल बलि दी जाती थी, बाद में यहाँ छाग बलि दी जाती है जिसे वर्तमान समय में अभी बंद कर दिया गया है। और शिला देवी को जो है ढाई प्याला शराब चढ़ती हैं और यहाँ पर भक्तों को शराब एवं जल का चरणामृत जो है दिया जाता है। उसके बाद अगली जो लोक देवी हैं वो है शीतला माता। शीतला माता को चेचक की देवी या सेडल माता, बोदरी देवी और महामाई बच्चों की संरक्षिका भी कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है बच्चों की संरक्षिका कौन सी देवी है या सेडल माता किसको माना जाता है। तो ये इनके उपनाम हैं शीतला माता के, चेचक की देवी, बोदरी देवी, महामाई और बच्चों की संरक्षिका। मंदिर की बात करें तो इनका प्रसिद्ध मंदिर चाकसू गाँव जयपुर में शील की डूंगरी पर है, यानी कि शील डूंगरी चाकसू गाँव जयपुर। शीतला माता के मंदिर का निर्माण जो है सवाई माधो सिंह ने करवाया है। और शीतला माता के मंदिर में मूर्ति की जगह दोस्तों पत्थर के जो है खंड है केवल। और इनका जो वाहक की बात करें तो गधा होता है और पुजारी है कुमार होता है। और शीतला माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो दीपक है या फिर मिट्टी की कटोरी, एक ही बात है। शीतला माता का जो मेला है वो प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी कि शीतलाष्टमी जो आती है उस दिन ये मेला भरता है। और इस दिन शीतला माता को ठंडा भोजन जिसे बासुड़िया जो भी कहा जाता है उसका भोग लगाया जाता है। और शीतला माता का जो प्राचीन मंदिर है वो उदयपुर के गोगुंदा गांव में भी स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सती माता, और सती माता को ही दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। और ये है अग्रवालों की कुलदेवी, आपको याद रखना है सती माता जो है अग्रवालों की कुलदेवी हैं। इनका मूल नाम जो है नारायण बाई था और इनके पति का नाम तनधन दास था। विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर एक ही जगह है बस झुंझुनू में, आपको याद रखना है झुंझुनू की ये लोक देवी हैं। और सती माता का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो भी झुंझुनू में ही स्थित है। और इनका जो दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है वो भी यहाँ खेमी सती झुंझुनू के अंदर ही। और अगर मेले की बात करें तो भाद्रपद अमावस्या के दिन दोस्तों जो है सती माता का मेला भरता है, भाद्रपद अमावस्या के दिन। और 1987 की ही दीवरेला सिकर रूपकवर सती महिला कांड के बाद रानी सती के इस मेले पर रोक लगा दी गई है। 1987 के दिन दोस्तों इस मेले के अंदर एक सिकर से रूपकवर महिला का सती कांड हुआ था और इसी कारण रानी सती के इस मेले पर जो है रोक लगा दी गई है। उसके बाद आगे जो लोक देवी हैं वो है शाकंभरी माता। और इनका प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो सांबर यानी कि जयपुर में इसका मंदिर स्थित है। उसके बाद शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाए हैं। और शाकंभरी माता जो है वो सांबर के चौहानों की कुलदेवी हैं। सांबर यानी जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो सांबर के नाम से जाना जाता है। तो सांबरों की ये जो है चौहान, सांबर के जो चौहान हैं उनकी कुलदेवी हैं। और इनका एक अतिरिक्त जो मंदिर है वो उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर हैं और एक यूपी के अंदर स्थित हैं। उसके बाद जमुवाई माता जो है वो कछवावा राजपूतों की कुलदेवी हैं जो जयपुर और आमेर के जो कछवावा जो राजपूत थे और उनकी ये कुलदेवी हैं। जमुआ रामगढ़ यानी कि जयपुर के अंदर इनका प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जमुआ रामगढ़ जयपुर में। आगे ज्वाला माता की बात करें तो खंगारोत राजवंश की कुलदेवी हैं और इनका जो मंदिर है वो जोबनेर जयपुर में स्थित है, खंगारोतों की कुलदेवी हैं। सकराई माता या शाकंभरी माता की बात करें तो शाकंभरी माता ये अकाल के समय अकाल पीड़ितों को कंद मूल फल सब्जियां आदि वितरित किए थे, इसलिए इन्हें शाकंभरी माता भी कहता है। और ये खंडेल वालों की कुल देवी हैं और इनका प्रसिद्ध मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में है जहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र व आश्वन के नवरात्रि में जो है मेला लगता है। आपको याद रखना है शाकंभरी माता और मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर।
और खंडेल वालों की ये कुल देवी हैं और फल सब्जियां आदि इन्होंने अकाल के समय वितरित किए थे। उसके बाद छीक माता का जो मंदिर है वो जयपुर में गोपाल जी के रास्ते में स्थित हैं, जहाँ पर माघ सुदी सप्तमी को पूजा की जाती है। माघ सुदी सप्तमी को छीक माता की पूजा की जाती है। इनका प्रसिद्ध मंदिर जयपुर में स्थित है। आगे जो है लोक देवी चौथ माता जो है कंजर जाति की आराध्य देवी हैं और इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु मांगने के लिए कार्तिक कृष्ण चतुर्थी यानी कि जिस दिन करवा चौथ होती हैं कार्तिक कृष्ण चतुर्थी और इसी दिन जो है चौथ माता का व्रत रखा जाता है। उसके बाद आई माता का बचपन का नाम जो था वो जीजाबाई था। इनका जन्म की बात करें तो अम्बापुर गुजरात में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये जो है सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी हैं। सिरवी जाति याद रखना आपको, आई माता सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी हैं। इनके प्रसिद्ध मंदिर की बात करें बिलाड़ा गांव जोधपुर के अंदर इनका प्रसिद्ध मंदिर स्थित है और आई माता के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है। जिस प्रकार आपको हमने बताया था करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है, उसी प्रकार आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद आई माता के जो थान हैं उनको बडेर कहा जाता है। आई माता के मंदिर में इनकी मूर्ति नहीं होती है और आई माता के मंदिर में जो दीपक जलता है उसकी ज्योति से केसर टपकती हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ऐसी कौन सी लोक देवी हैं जिसके मंदिर में दीपक जलने पर उसमें इसकी ज्योति से केसर टपकती हैं। तो आई माता जिनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर के अंदर स्थित है। आई माता के मंदिर में गुजर जाति का प्रवेश निश्चित है और आई पंथ के अनुयायी को 11 नियमों का पालन करना अनिवार्य है, जिन्हें बेल के 11 नियम भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है आई पंथ जो है उसमें 11 नियमों का जो है वर्णन किया गया है। आगे की जो लोक देवी हैं वो है नारायणी माता और नारायणी माता नाइयों की कुल देवी हैं। नारायणी माता के जो पुजारी हैं वो मीणा जाति के लोग होते हैं। वर्तमान समय में दोस्तों नाई और मीणा जाति के लोगों में चढ़ावा को लेकर इनके बीच में विवाद चल रहा है, क्योंकि नारायणी माता जो है नाइयों की कुल देवी हैं लेकिन मीणा जाति के लोग भी इनकी आराधना करते हैं। और नारायणी माता का जो मंदिर है वो राजगढ़ तहसील बरवा की डूंगरी में स्थित है और प्रतिहार शैली से ये बना हुआ मंदिर है। तो आपको ध्यान रखना बरवा की डूंगरी राजगढ़ तहसील सीकर के अंदर है दोस्तों। ये राजगढ़ तहसील और बरवा डूंगरी के अंदर नारायणी माता का मंदिर स्थित है। उसके बाद सचिया माता जो है ओसवालों की कुल देवी है, आपको याद रखना ओसवालों की कुल देवी। इनका मंदिर की बात करें तो सचिया माता ओसिया जोधपुर के अंदर मंदिर स्थित है जो प्रतिहार शैली में बना हुआ है और राजकुमार उपल देव ने जो है इसका निर्माण करवाया था। बस आपको ध्यान रखना है सचिया माता ओसवालों की कुल देवी हैं, ओसिया जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है और प्रतिहार शैली में बना हुआ है। उसके बाद जिलानी माता जो है अलवर जिले की ये लोक देवी हैं और अलवर जिले के बहरोड कस्बे में इनका मंदिर स्थित है और जिलानी माता ने हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचाया था। ये बात आपको ध्यान रखना है, जिलानी माता जो है अलवर की, उन्होंने हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचाया था। अगली जो लोक देवी हैं नागनेची माता बात करें तो ये जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी हैं और 18 भुजाधारी नागनेची माता का जो मंदिर है वो मंडोर जोधपुर में स्थित है। जोधपुर का जो मंडोर कस्बा है उसी के अंदर दोस्तों नागनेची माता का मंदिर स्थित है। जबकि अगर राठौड़ों की इष्ट देवी की बात करें तो आपको बताया था अभी करणी माता हैं, लेकिन कुल देवी की बात करें तो ये नागनेची माता हैं। आगे जो लोक देवी हैं वो है चामुंडा माता मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी हैं। दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी चामुंडा माता भी हैं और करणी माता भी हैं, लेकिन जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी अगर पूछी जाए तो चामुंडा माता ही होगी और बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी अगर पूछी जाए तो करणी माता होगी। तो मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी हैं और इनका मंदिर जो है वो भी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर स्थित हैं। और आपको पता होगा 2008 में आशीवन नवरात्र जब चल रहे थे तब वहाँ पर एक भगदड़ हो गई थी और इससे कई लोगों की मृत्यु हुई थी और इस भगदड़ की जांच के लिए दोस्तों जसराज चोपड़ा कमेटी का जो है गठन किया गया था।
उसके बाद चामुंडा माता का एक अन्य मंदिर अजमेर में है जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं और चंद्रबाई बरदाई की इष्ट देवी हैं। चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अजमेर के चौहान शासक थे और मोहम्मद गोरी के साथ जिन्होंने युद्ध किया था, तो इनकी जो आराध्य देवी थी वो भी चामुंडा माता थी। तो इसका एक अन्य मंदिर जो है वो अजमेर में भी स्थित हैं। उसके बाद आगे जो लोक देवी हैं दधीमती माता, तो दधीमती जो माता हैं उनका मंदिर कोट मांगलोद यानी कि नागौर में स्थित हैं। और दधीमती माता जो है दाधीच ब्राह्मणों की कुल देवी हैं और इस क्षेत्र को पुराणों में कुशा क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन से क्षेत्र को? तो कोट मांगलोद या नागौर के क्षेत्र को जो है कुशा क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे की जो लोक देवी हैं वो है लटियाला या लुटियाला माता और ये कल्लो की कुल देवी हैं। मंदिर की बात करें तो फलोदी जोधपुर में हैं और लटियाला माता के मंदिर के आगे खेजड़ी के वृक्ष स्थित हैं, इसलिए इन्हें खेजड़ी बेरी राय भवानी भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, खेजड़ी बेरी राय भवानी किस माता को कहा जाता है? तो ये लुटियाला माता को कहा जाता है। आगे की जो लोक देवी है वो है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता कुमारों की लोक देवी हैं, कुल देवी हैं। तो आपको याद रखना कुमारों की कुल देवी ब्राह्मणी माता। सौरसेन 12 के अंदर इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है जिसमें आपको याद रखना देवी की पीठ की पूजा की जाती है। ऐसी कौन सी लोक देवी हैं जिसके पीठ की पूजा की जाती है? तो ब्राह्मणी माता याद रखना है। सौरसेन 12 के अंदर इनका मंदिर है। माघ शुक्ल सप्तमी के दिन दोस्तों यहाँ पर गधों का मेला लगता है। माघ शुक्ल सप्तमी के दिन कौन सा मेला लगता है? तो गधों का मेला लगता है। कहाँ पर? तो ब्राह्मणी माता के मंदिर के यहाँ जो सौरसेन 12 के अंदर स्थित हैं। आगे की जो लोक देवी हैं वो है कुशाल माता। कुशाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है, बदनौर भीलवाड़ा के अंदर। और आपको पता होगा महाराणा कुंभा ने इस मंदिर का निर्माण 1490 ईस्वी में करवाया था जब मालवा पर विजय के उपलक्ष्य में ये करवाया था। मालवा पर एक बार पहले विजय हुई थी तो उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। दूसरी बार जब मालवा पर विजय हुई थी तब बदनौर भीलवाड़ा में महाराणा कुंभा के द्वारा कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कुशाल माता जो है चामुंडा देवी का अवतार हैं और इसी के पास बेराट माता का मंदिर भी स्थित है। तो बदनौर भीलवाड़ा के अंदर ही बेराट माता और कुशाल माता का मंदिर स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी जो है उसको तूर्तई माता के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। आपको याद रखना तिलवाड़ा जो है बाड़मेर में है और तलवाड़ा जो है वो बांसवाड़ा में है जहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। और पांचाल जाति की जो है कुलदेवी हैं। राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, उनकी आराध्य देवी को भी त्रिपुरा सुंदरी ही है। और आपको याद रखना बस तलवाड़ा ग्राम बांसवाड़ा में इनका मंदिर है। पांचाल जाति की जो है ये कुलदेवी हैं। उसके बाद विरात्रा माता की बात करें तो बाड़मेर चौहटन क्षेत्र में इनका मंदिर है और भोपो की कुलदेवी के रूप में इनको जाना जाता है। आशापुरा माता की बात करें तो बीसी जाति की कुलदेवी हैं और इनका मंदिर जो है पोखरण जैसलमेर के अंदर स्थित है। पोखरण के अंदर ही इनका मंदिर है, जैसलमेर के अंदर। और मेले की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन एवं माघ शुक्ल दशमी के दिन जो है आशापुरा माता का मेला लगता है। तन्नोट माता की बात करें तो इनके उपनाम बहुत सारे हैं। रूमाल वाली देवी भी बोलते हैं इनको। सेना के जवानों की इष्ट देवी भी कहा जाता है। पाटी शासकों की इष्ट देवी और थार की वैष्णो देवी के रूप में से भी इनको जाना जाता है। तन्नोट माता के मंदिर की जो मंदिर में जो माता की पूजा है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के जवान के द्वारा की जाती हैं। तो BSF के जवान अभी तन्नोट माता के मंदिर में पूजा की जाती है उनके द्वारा। और आपको याद रखना है थार की वैष्णो देवी के रूप में इनको जो है जाना जाता है। अगले लोक देवी हैं सुगाली माता। सुगाली माता जो हैं वो आवा के ठाकुर यानी कि कुशाल सिंह जो 1857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्हीं की ये जो है इष्ट देवी हैं। और पाली के अंदर दोस्तों इनका मंदिर है। अभी तो इनका मंदिर वैसे नहीं है क्योंकि मूर्ति जो थी अंग्रेज इनको मूर्ति को जो है दूसरी अजमेर ले गए थे और इसलिए यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है। लेकिन सुगाली माता जो है वो कुशाल सिंह की चंपावत की इष्ट देवी थी और 1857 की क्रांति की देवी भी इसको जाना जाता है। और इनकी जो माता की मूर्ति है वर्तमान में पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखी गई है।
इससे पहले ये अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में थी। पहले ये अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में थी, ये वर्तमान में जो है पाले के बांगड़ संग्रहालय में जो है इनकी मूर्ति को रखा गया है। आवरी माता या आसावरा माता, आवरी माता जो है इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ के जिले के निकुंभ गांव के स्थित है और इनके मंदिर परिसर में दो तिबारियां हैं जहां पर बीमार बच्चे को निकाला जाता है। तो बीमार बच्चे जो है लकवा या कोई शारीरिक व्याधि है अगर तो वो जो है यहां पर ठीक हो जाती हैं। तो आवरी माता के अंदर लकवा के निवारण के लिए ये जो है प्रसिद्ध है। आमजा माता, आमजा माता बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनका जो मंदिर है रीचड़े गांव केलवाड़ा उदयपुर में है और भीलों की ये कुलदेवी हैं, आपको याद रखना है भीलों की कुलदेवी हैं। और आमजा माता की पूजा में एक तो भील भोपा होता है और एक ब्राह्मण पुजारी जो है वो होता है। मतलब भील भोपा, भीलों की कुलदेवी, तो एक भील भोपा होगा, एक ब्राह्मण होगा और रीचड़े गाँव यानी केलवाड़ा उदयपुर के अंदर इनका जो है मंदिर स्थित है। बाण माता की बात करें तो बाण माता का मंदिर कुंभलगढ़ किले के पास केलवाड़ा उदयपुर की गड्डी में स्थित है, यानी उदयपुर केलवाड़ा के अंदर ही इनका मंदिर बना हुआ है। मेवाड़ के शासकों एवं सिसोदिया वंश की कुलदेवी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ के जो भी शासक रहे हैं या सिसोदिया वंश, इनकी ये कुलदेवी हैं। बाण माता को बरबड़ी माता भी जो है कहा जाता है। राजस्थान की अन्य लोक देवियों के बारे में भी हम देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट लोक देवियाँ थी उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने देखे हैं। अब जो अन्य जो लोक देवियाँ हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अंबिका माता जो है इनका मंदिर जगत उदयपुर में है और इसी मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। भदाना माता की बात करें तो हाड़ा चौहानों की कुल देवी हैं और ये मूड की चपेट में आए लोगों का जो है इलाज करती हैं और कोटा के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। हिचकी माता की बात करें तो इनका जो मंदिर है वो सनवाड़ गांव यानी स्वाईमाधोपुर में स्थित है। जल देवी की बात करें तो इनका मंदिर बावड़ी गांव टोडा राय सिंह तहसील टोंक में बना हुआ है। जल देवी का मंदिर जो है वो टोंक में है। और गेवर माता की बात करें तो राजसमंद जिले की पाल पर जो है राजसमंद के अंदर इनका गेवर माता का मंदिर स्थित है, जो राज सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और गेवर माता को ही बिना पति के सती होने वाली माता के रूप में भी जाना जाता है। शेमकरी माता की बात करें तो इनका मंदिर वसंतगढ़ सिरोही में है और इसे खिमेल माता भी कहते हैं। अबुर्दा देवी की बात करें तो राजस्थान की वैष्णो देवी और थार की वैष्णो देवी हमने बताया था आपको तन्नोट माता है, उसी प्रकार राजस्थान की वैष्णो देवी जो है अबुर्दा देवी हैं और इस देवी के अंधेरों की पूजा की जाती है। अबुर्दा देवी का मंदिर जो है दोस्तों सिरोही जिले में स्थित है। उसके बाद बडली माता, इनका प्रसिद्ध मंदिर बेड़च नदी के किनारे अकोला यानी कि चित्तौड़गढ़ में है, यानी कि बेड़च नदी के किनारे अकोला में और अकोला जो है चित्तौड़गढ़ में आता है, तो बड़ली माता का मंदिर अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उसके बाद स्वांगिया माता की बात करें तो स्वांगिया माता आवड़ माता का ही एक स्वरूप है। और स्वांगिया माता की बात करें तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की जो है ये कुल देवी हैं। उसके बाद आवड़ माता, हिंगलाज माता, आवक माता, ये जितने भी नाम हैं दोस्तों इनका मंदिर जो है लोधरवा जैसलमेर में है और लोकमानस में सुगन चिड़ी को आवड़ माता का रूप माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सुगन चिड़ी को किस माता का रूप माना जाता है, तो सुगन चिड़ी को आवड़ माता का जो है रूप माना जाता है और हिंगलाज देवी के रूप में भी जो है दोस्तों आवड़ माता को ही जाना जाता है। उसके बाद आशापुरा माता, जिनको महोदरी माता के रूप में भी जाना जाता है, जालौर के सोनगरा चौहानों की ये कुल देवी हैं और इनका मुख्य जो मंदिर है वो मोदरा गांव जालौर में स्थित है। आशापुरा चौहानों की कुलदेवी है, सोनगरा चौहानों की कुलदेवी हैं और मंदिर जो है जालौर के अंदर है। दोस्तों सोनगरा चौहान जो है वो जालौर के अंदर ही इन्होंने शासन किया था। उसके बाद अबुर्दा देवी, अबुर्दा देवी का मंदिर आपको बता दिया कि माउंट आबू सिरोही के अंदर है और राजस्थान की वैष्णो देवी के रूप में इनको जाना जाता है। राजेश्वरी माता की बात करें तो भरतपुर के जो जाट वंश हैं उनकी ये कुलदेवी रही हैं, जाटों की कुलदेवी हैं राजेश्वरी माता। इनका मंदिर भी दोस्तों भरतपुर के अंदर ही स्थित हैं। गंगा माता की बात करें तो इनका मंदिर भरतपुर में है और एक अन्य मंदिर इनका झुंझुनू में भी है। चारभुजा देवी की बात करें तो इनका मंदिर खमनौर राजसमंद के अंदर स्थित है। और तुलजा भवानी जो है छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी थी, इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। और कालिका माता का जो मंदिर है वो भी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर स्थित है।
और गुहिल वंश की जो है वो इष्ट देवी है, और ये जो है प्रतिहारकालीन शैली में बना हुआ है। पहले ये सूर्य मंदिर हुआ करता था, तो आपको याद रखना है गुहिल वंश की इष्ट देवी है कालिका माता। उसके बाद दोस्तों एक कालका माता भी हैं, और इस कालका माता जो है सुनारों की कुल देवी हैं, और इनका मंदिर पल्लू गांव हनुमानगढ़ में बना हुआ है। अंतिम जो माता हैं वो है शारदा देवी, और इनका मंदिर पिलानी झुंझुनू के अंदर है। तो दोस्तों ये थे जो राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। दोस्तों राजस्थान की जो ये लोक देवियाँ हमने आपको बताई हैं, इनके अलावा दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर कोई सी भी इम्पोर्टेंट ऐसी कोई लोक देवी नहीं है, या उनका कोई ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है जो एग्ज़ाम में इनमें से ना आया हुआ हो। दोस्तों आगे भी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने हैं राजस्थान के, उनके अंदर दोस्तों सभी जो क्वेश्चन है लोक देवियों के, अगर कोई क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आपको 100% हम श्योर होकर बोल सकते हैं दोस्तों इन्हीं जो है लोक देवियों के बारे में पूछा जाएगा। और सारे जो फैक्ट हैं आपको इम्पोर्टेंट हमने बता ही दिए हैं। आपको इस वीडियो के अलावा किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लोक देवियों के जो फैक्ट हैं वो सारे हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देवें। दोस्तों राजस्थान कला संस्कृति की जो है प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके दोस्तों जो दूसरे जो टॉपिक हैं उनके वीडियो भी वहाँ देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट बना रखी हैं राजस्थान कला संस्कृति, आप वहाँ पर जाके जो है बाकी के जो कला संस्कृति के इम्पोर्टेंट वीडियो हैं वो भी आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद।